कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से हुई 27 मौतें, 15,712 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस पर बीजेपी नेता और हिंदुस्तान समाचार के चेयरमैन आर के सिन्हा ने दी प्रतिक्रिया, कहा बिहार का हाल कोरोना के मामले में बेहतर। यदि अभी तक का आंकड़ा देखा जाए शुद्ध रूप से तो बिहार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जिस प्रकार पूरे विश्व में कुल 1,60,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अमेरिका में ही 38,00,000 से ज़्यादा, स्पेन में 20,000 से ज़्यादा, भारत में तो मात्र 507 मौतें हुई हैं अभी तक, और भारत में रिकवरी का जो रेट है वो बहुत बढ़िया है। 15,712 संक्रमित लोगों में 2,231 लोग ठीक होके जा चुके हैं। इसी प्रकार बिहार को देखें तो जिस प्रकार विश्व में भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वैसे ही देश में बिहार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। बिहार की जो आबादी है उसके आबादी के घनत्व के हिसाब से बिहार नंबर एक पे है। पूरे भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 1,102 व्यक्ति बिहार में रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साझा की जानकारी, देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,712 हुई, वहीं 2,231 लोग ठीक भी हुए। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 507 हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस के केस देश में लगातार बढ़ते नजर आए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। अब तक राज्य में कुल 949 सक्रिय मामले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लॉकडाउन ना खोलने के फैसले पर जब हिंदुस्तान समाचार के संवाददाता प्रशांत शर्मा ने ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल से किया सीधा सवाल। मिस्टर प्रशांत शर्मा, हिंदुस्तान समाचार। सर प्रशांत फ्रॉम हिंदुस्तान समाचार। मेरा सर अग्रवाल सर आपसे आज सवाल है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कोई भी लॉकडाउन खोलने से, लेकिन जो जिनको 20 तारीख से ऑफिस ज्वाइन करना है और वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद या फिर दूर से आते हैं, क्या उनको कोई स्पेशल पास दिया जाएगा और वो क्या ऑफिस वो ज्वाइन कर सकते हैं? ये आपसे था। सेकंड सवाल आईसीएमआर से, ऐसा कि जैसे कुछ एसेंशियल सर्विस को खोला जाएगा, चाहे इसमें प्लम्बर्स हो या इलेक्ट्रीशियंस हो, तो जो कस्टमर्स बुलाएंगे क्या वो कुछ? इट इज नॉट रिलेटेड टू आईसीएमआर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एमएचए, सो जस्ट टेक योर वन क्वेश्चन ओनली फॉर द हेल्थ प्लीज। सर एज फार एज द गाइडलाइंस आर कंसर्न कि हम फील्ड पर कैसे काम करेंगे, हमने आप लोगों को बताया है कि जो हॉटस्पॉट्स है उसमें कंटेनमेंट जोन डिफाइन की जाएंगी और उन कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज कोई सर्विसेज लागू नहीं होंगी। साथ में हमने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनके हित में है और वो सक्षम है कि अगर वो चाहें तो इसके अलावा एडिशनल रेस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर स्टेट अपने असेसमेंट में ये चाहते हैं कि हमें एडिशनल रेस्ट्रिक्शन बिसाइड्स रेस्ट्रिक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इम्पोज करना चाहें, बिकॉज फील्ड लेवल पर दे आर मोर इक्विप्ड, दे आर मोर अवेयर कि उनको किस टाइप के एडिशनल एक्शन की जरूरत है, तो हमारे बताए एक्शन से ज़्यादा वो ले सकते हैं। इस केस में अगर वो कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो कंटेनमेंट जोन में जो उनकी इंस्ट्रक्शन है वो लागू होंगी। साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एज पर नॉर्म्स गृह मंत्रालय या स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन के तहत अगर कोई ऑफिस खुलने हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसर्न डीएम्स करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर सीएम योगी का आदेश, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति हर हाल में किए जाए क्वारंटीन। बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू करने का भी दिया निर्देश। बाहर से आए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का भी दिया आदेश। यूपी में आज रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन होगा शुरू। लॉकडाउन शुरू होने के साथ टोल वसूली पर थी रोक, जिसको आज रात से किया जाएगा शुरू। कोरोना वायरस के दौर में WHO ने रमजान के लिए जारी की गाइडलाइंस। अगर रमजान के लिए कई लोगों को एक जगह जुटने की मंजूरी दी जाती है तो COVID-19 के खतरे को कम करने के लिए इंतजाम किए जाएं। अगर मस्जिद में लोग इकट्ठे भी होते हैं तो एक एक कर दूरी बनाते हुए भीतर जाएं।
ई कॉमर्स कंपनियों पर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सामान डिलीवरी करने की छूट। 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई। अब इस छूट को लिया गया वापस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर कहा, हालात चिंताजनक, लॉकडाउन में नहीं दे सकते ढील। 186 लोगों में दिखे कोरोना के लक्षण। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन बेहद जरूरी। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है, किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी जिंदगी में घूम रहे थे। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रस्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में 52 कोरोना पीड़ित ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर। अब तक 66,700 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। लोगों से अपील है कि हल्के लक्षण भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एमपी के इंदौर में कोरोना से पुलिस अधिकारी की मौत। पत्नी को नौकरी और 50 लाख रुपए देगी शिवराज सरकार। 20 दिन से अस्पताल में अधिकारी था भर्ती। इंदौर में अब तक कोरोना के कारण 49 लोगों की हो चुकी है मौत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को निकालने पर योगी सरकार की तारीफ, साथ ही तंज भी कसा, कहा मजदूरों की भी जरा सोचें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।